गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज सेकेंड ईयर कॉमर्स में अकाउंट विषय के साथ मैं रवि प्रकाश। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अकाउंट में नेक्स्ट लेसन लागत लेखांकन यानी कास्ट अकाउंटिंग का अध्ययन करेंगे। इसलिए आज का हमारा टॉपिक लागत लेखांकन यानी कास्ट अकाउंटिंग होगा। डियर स्टूडेंट्स, प्रारंभ में लेखांकन का कार्य व्यापारिक लेन देनों का लेखा करना और उनके परिणामों के आधार पर लाभ हानि खाता तथा चिट्ठे के रूप में परिणामों को जानना था। यानी व्यापारिक लेन देनों का लेखा रखने का मेन उद्देश्य लाभ की जानकारी प्राप्त करना था। लेकिन धीरे धीरे यह अनुभव किया गया कि लाभ के साथ साथ लागत की भी गणना की जानी चाहिए। लाभ के साथ साथ लागत की भी गणना की जानी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी या संस्था जो किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं, वे अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत कैसे ज्ञात करेंगी। इसी उद्देश्य लागत लेखांकन का जन्म हुआ, जो लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है। प्रिय छात्रों, लागत लेखांकन लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है जिसमें लागत से संबंधित व्ययों का लेखा किया जाता है। जो भी कंपनी या संस्था जो किसी वस्तु का उत्पादन करती है, वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन अपनाती है। लागत लेखांकन में उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले कच्चे माल, श्रम और इन पर होने वाले व्ययों का नियमित रूप से लेखा किया जाता है। इस उद्देश्य से लेखा किया जाता है ताकि अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जा सके। जब कुल उत्पादन ज्ञात होगा, तभी तो प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जा सकेगी। इसी उद्देश्य से लागत लेखांकन रखा जाता है और लागत लेखांकन रखने से लागत पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। यदि लागत लेखांकन नहीं रखा जाता है तो लागत पर भी नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा और प्रबंधकों को भी नियंत्रण करने में असुविधा होगी, इसलिए लागत लेखांकन रखा जाता है। तो लागत लेखांकन को हम परिभाषा के तौर पर कह सकते हैं कि लागत लेखांकन में वस्तु के उत्पादन से संबंधित कच्चे माल, श्रम और इन पर होने वाले व्ययों का नियमित रूप से लेखा किया जाता है, ताकि उत्पादन की कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जा सके। इसमें लागत का पूर्वानुमान भी लगाया जाता है और यह प्रबंधकों को लागत नियंत्रण लागू करने में भी सहायक होती है। मीन्स जो भी उत्पादक या कंपनी है जो किसी वस्तु का उत्पादन का काम करती है, वह अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर होने वाले कच्चे माल, श्रम और इन पर होने वाले व्ययों का नियमित रूप से लेखा करती है। इस उद्देश्य से ताकि कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जा सके और इसके साथ साथ यह प्रबंधकों को भी लागत नियंत्रण करने में भी सहायक होती है, जिससे प्रबंधक लागत को कम से कम करने में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी के सहायता से वो अपने लागत को कम से कम करने में हमेशा लगे रहते हैं, जिससे उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत कम से कम आए और जब लागत कम आएगी तो प्रति इकाई लागत भी कम होगी, जिससे उनको मार्केट में बने रहने में आसानी होगी और लाभ भी उनको अधिक से अधिक प्राप्त होगा। तो यही है हमारा लागत लेखांकन। प्रिय छात्रों, जब लागत लेखांकन उत्पादन करने वाले व्यवसाय द्वारा अपनाया जाता है तो प्रत्येक उत्पादन करने वाली कंपनी या व्यवसाय को अपनी लागत ज्ञात करने की कोई न कोई इकाई
अवश्य होती है जिस पर वह अपनी लागत ज्ञात करती है। जैसे कोयले की खान, प्रति टन कोयला, चीनी मिल, प्रति क्विंटल चीनी, वस्त्र कारखाना, सूत का प्रति पौंड सूत, कपड़ा प्रति मीटर कपड़ा। ऐसे आटा मिल प्रति क्विंटल आटा, ईंटों का भट्ठा प्रति हजार ईंटें, रसायन प्रति मीटर गैलन, गैस प्रति घन मीटर, पानी सप्लाई प्रति हजार लीटर, यातायात प्रति टन किलोमीटर या प्रति यात्री किलोमीटर, शक्ति प्रति किलोवाट, जिस पर वह अपनी लागत निर्धारित करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला टॉपिक है लागत लेखांकन की विशेषताएं, यानी लागत लेखांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो आइए जानते हैं इसमें पहली विशेषता, वित्तीय लेखांकन की भांति दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित। मीन्स यह लेखांकन वित्तीय लेखांकन की भांति दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। जिस प्रकार वित्तीय लेखों में दोहरा लेखा प्रणाली लागू होती है, यानी दोहरा लेखा प्रणाली का मतलब जिसमें लेखा करते समय दो पक्ष प्रभावित होते हैं, यदि एक खाते को डेबिट किया जाता है तो किसी दूसरे खाते को अवश्य ही क्रेडिट किया जाएगा, यही हमारा दोहरा लेखा प्रणाली है। तो जिस प्रकार वित्तीय लेखों में दोहरा लेखा प्रणाली लागू होती है, वैसे ही यह भी वित्तीय लेखांकन की भांति दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है लागत लेखांकन। नेक्स्ट दूसरा है कला एवं विज्ञान। यह लेखांकन कुछ निश्चित नियम एवं सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए यह कला एवं विज्ञान दोनों है, यानी यह भी एक निश्चित नियम एवं सिद्धांतों पर आधारित है जिसके अनुसार लेखे किए जाते हैं, इसलिए यह लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट तीसरा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्त व्ययों का लेखा। लागत लेखांकन में वस्तु के उत्पादन से संबंधित सभी प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट सभी प्रकार के एक्सपेंसों का लेखा इसमें किया जाता है। फिर अगला है कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करना। लागत लेखांकन में उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात की जाती है। फिर नेक्स्ट है निर्मित कार्य की लागत के साथ साथ अर्ध निर्मित कार्य की लागत की जानकारी, यानी लागत लेखांकन के द्वारा निर्मित कार्य यानी जो कार्य हो चुका है उसकी कुल लागत और उसके साथ साथ अर्ध निर्मित कार्य यानी जो अभी प्रोसेस में है, जो प्रोग्रेस पे है, ऐसे कार्य की भी लागत आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि लागत लेखांकन के उद्देश्य, कि लागत लेखांकन किन उद्देश्यों के आधार पर रखे जाते हैं, यानी लागत लेखांकन रखने से क्या लाभ है या क्या उद्देश्य है। तो आइए देखते हैं इसमें। नंबर फर्स्ट, किसी कार्य, उपकार्य, क्रिया, प्रक्रिया, विभाग या सेवा की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, यानी लागत लेखांकन रखने का उद्देश्य यह है किसी भी कार्य, उपकार्य या किसी वस्तु का उत्पादन की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात करना, यानी जो भी सेवा या उत्पादन का कार्य किया जा रहा है उसकी कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत क्या है, यह ज्ञात करने में लागत लेखांकन सहायक होती है। सेकंड है लागत पर नियंत्रण। लागत पर नियंत्रण, कोई भी उत्पादन करने वाली कंपनी यह चाहती है कि उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत कम से कम आए, इसलिए वह लागत पर रोक लगाना चाहती है ताकि कम से कम लागत में यदि वस्तु का प्रोडक्शन होता है तो वस्तुओं की कीमत
कम आएगी और उसकी सेलिंग अधिक होगी। इसलिए लागत लेखांकन के द्वारा ही यह संभव है कि कोई भी उत्पादन करने वाली कंपनी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर लागत का नियंत्रण करने के लिए लागत लेखांकन रखेगी, तभी जाकर वह अपनी लागतों पर नियंत्रण कर पाएगी। यदि लागत लेखांकन नहीं है तो लागतों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि कब कितना लागत आ रहा है, अधिक आ रहा है या कम आ रहा है, किस पे अधिक व्यय हो रहा है, किस पे कम व्यय हो रहा है, किस पे खर्च मिसयूज हो रहा है, तो ये सब दिक्कतें आएंगी। लेकिन यदि लागत लेखांकन के द्वारा हम सभी लागतों को एक जगह लिखते हैं तो ऐसी दशा में हम उसको देख करके यह निर्णय ले सकते हैं कि किस मद पे कितना खर्च करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, किस मद पे अधिक खर्च हो गया है, यदि उसको कम से कम भी किया जाए तो भी हमारा उत्पादन कार्य चलेगा। तो ये सब है कि लागतों पर नियंत्रण करने में भी लागत लेखांकन सहायक होती है। नेक्स्ट तीसरा है टेंडर मूल्य का निर्धारण करना। टेंडर मूल्य यानी निविदा मूल्य, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का कार्य किया जाता है तो उसका भी ठेका लेने से पहले उसका भी पहले मूल्य निर्धारित करके लोग अपना आवेदन आमंत्रित करवाते हैं। फिर उसमें से जिसका भी वो मूल्य ठेका मूल्य कम होता है उसी को कार्य ठेका का दे दिया जाता है। तो इसलिए ठेका का मूल्य भी निर्धारण करने में भी, टेंडर का मूल्य निर्धारण करने में भी लागत लेखांकन सहायक है, क्यों लागत लेखांकन के द्वारा ही टेंडर मूल्य का निर्धारण एक्यूरेट और सही तरीके से किया जा सकता है, इसलिए लागत लेखांकन सहायक है। फिर नेक्स्ट है फोर नीति निर्धारण हेतु आधार प्रदान करना। नीति निर्धारण हेतु जो जो भी कंपनी के मैनेजमेंट के लोग होते हैं वह भविष्य में क्या नीति होनी चाहिए उस नीति का निर्धारण करने के लिए भी लागत लेखांकन आवश्यक होता है। उसी लागत लेखांकन के आधार पर वे भविष्य की नीतियों का निर्धारण करते हैं कि भविष्य में किस मद पे क्या खर्च करना चाहिए, किस पे कम खर्च करना चाहिए और किसको बढ़ावा देना चाहिए, किसको रोक लगाना चाहिए, ये सब नीति निर्धारण करने में भी सहायक होती है, इसलिए लागत लेखांकन रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है विक्रय मूल्य निर्धारण में सहायक। विक्रय मूल्य, प्रिय छात्रों, जब लागत लेखांकन के द्वारा हम कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात करेंगे तभी जा करके हम विक्रय मूल्य का सही तरीके से निर्धारण कर पाएंगे, इसलिए लागत लेखांकन सहायक है, इसी उद्देश्य से लागत लेखांकन रखा जाता है ताकि जब अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत सही तरीके से ज्ञात हो पाएगी तभी जाकर के वस्तुओं के विक्रय मूल्य का निर्धारण सही तरीके से किया जा सकेगा। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है वित्तीय एवं अन्य विवरणों के बनाने में सहायक। वित्तीय एवं अन्य यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी होता है उसके भी बनाने में लागत लेखांकन सहायक है। वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको भी बनाने में लागत लेखांकन सहायक है कि जब वित्तीय विवरण में जो भी खर्च होता है उस खर्चे के साथ साथ लागत के भी खर्चे को उसमें पूरा ऐड करके दिखाया जाता है तभी जाकर के किसी कंपनी की एक्यूरेट प्रॉफिट या बैलेंस शीट की एक्चुअल जानकारी हो पाती है। इसलिए यह लागत लेखांकन वित्तीय विवरणों यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी बनाने में सहायता प्रदान करती है। इस प्रकार ये लागत लेखांकन के उद्देश्य हैं, जिन उद्देश्यों के आधार पर लागत लेखांकन रखना प्रत्येक उत्पादन या सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए आवश्यक होता है।
इसके बाद अगला है कि लागत के तत्व, यानी ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उत्पादन करने वाली कंपनियां अपनी वस्तुओं की लागत को निर्धारित करते समय ऐड करती हैं, यानी किन किन तत्वों को ध्यान में रखते हुए किसी भी वस्तु की लागत का अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पे लागत के तत्व दिया हुआ है, तो किसी भी वस्तु की लागत के आधारभूत तीन तत्व होते हैं जिन को ध्यान में रखते हुए कोई भी उत्पादन या सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां अपनी वस्तुओं की कुल लागत ज्ञात करने के लिए इनको ऐड करती हैं। तो वे तीन आधारभूत तत्व तो कौन कौन से हैं? तो नंबर फर्स्ट सामग्री लागत, दूसरा श्रम लागत और तीसरा व्यय। सामग्री लागत, श्रम लागत और व्यय, इन्हीं तीनों के सहयोग से किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव होता है। इसलिए इन तीनों के मूल्य को वस्तुओं के उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए आवश्यक है। तो सामग्री लागत, श्रम लागत और व्यय। अब सामग्री लागत भी आपका दो तरीके से यूज होता है, पहला प्रत्यक्ष सामग्री लागत और दूसरा अप्रत्यक्ष सामग्री लागत। यानी कुछ सामग्री जैसे कच्चे माल, जिस वस्तु का प्रोडक्शन किया जा रहा है उस वस्तु को बनाने में जो माल यूज हो रहा है वो कच्चा माल है, यानी जिस माल की सहायता से कोई वस्तु निर्मित की जाती है वह उसके लिए कच्चा माल होता है। तो कच्चा माल तो आपका प्रत्यक्ष सामग्री हो जाएगा, और अप्रत्यक्ष सामग्री लागत जो उस वस्तु के बनाने में इनडायरेक्ट रूप से सहयोग देते हैं वो अप्रत्यक्ष सामग्री लागत, जैसे मशीन। फिर दूसरा है श्रम लागत। श्रम यानी लेबर चार्ज, यानी किसी भी वस्तु के उत्पादन में लेबर का महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना लेबर के कोई भी उत्पादन कार्य संभव नहीं है, भले ही कितना हो भी एडवांस तकनीकी और मशीन हो, फिर भी हमको कुछ न कुछ लेबर की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। इसलिए श्रम लागत भी आपका दो तरीके से यूज होता है जिनके सहयोग से उत्पादन कार्य संभव है। श्रम लागत में प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम, यानी वस्तुओं के उत्पादन में जो मजदूर अपनी सहयोग देते हैं, यानी जिन मजदूरों या लेबर के बदौलत उत्पादन कार्य संभव होता है या उत्पादन में सहयोग देते हैं, वह श्रम प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम, यानी जिनके देखरेख में उत्पादन कार्य संभव होता है, उत्पादन का कार्य कराने के लिए जिनकी देखरेख में या जिनके दिशा निर्देश में उत्पादन कार्य होता है, उनको जो श्रम लिया जा रहा है उनका जो श्रम है वो अप्रत्यक्ष श्रम। इसलिए जैसे आपके सुपरवाइजर हैं, ये सब जिनकी देखरेख में उत्पादन कार्य किया जाता है। तो श्रम लागत में भी प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। फिर व्यय है, व्यय भी आपका दो तरीके से यूज होता है, एक प्रत्यक्ष व्यय और एक अप्रत्यक्ष व्यय। प्रत्यक्ष व्यय यानी जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, चाहे वे वो भाड़ा हो, चुंगी हो, अपराय हो या वेजेज हो, ये सब आपके प्रत्यक्ष व्यय। और अप्रत्यक्ष व्यय जो इनडायरेक्ट रूप से एक्सपेंस वस्तुओं के उत्पादन में किए जाते हैं वे अप्रत्यक्ष व्यय। इस प्रकार से लागत के कुल तीन तत्व होते हैं,
सामग्री लागत, श्रम लागत और व्यय, जिनके सहयोग से किसी भी उत्पादन करने वाली कंपनियों में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं तीनों के सहयोग से उत्पादन कार्य संभव होता है। इसलिए प्रत्येक उत्पादन करने वाली कंपनियां अपने वस्तुओं की कुल लागत को ज्ञात करते समय इन तीनों को ध्यान में रखती हैं। इसके बाद अगला टॉपिक आता है कि लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की कौन-कौन सी विधियां हैं, यानी लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की विधियां, मीन्स ऐसी कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा कोई भी उत्पादन करने वाली कंपनियां या सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई उत्पादन लागत की जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें नंबर फर्स्ट, इकाई लागत लेखांकन। इकाई लागत लेखांकन, यह लेखांकन ऐसे व्यवसायों के लिए उपयुक्त माना जाता है जहां पर उत्पादन का कार्य निरंतर चलता रहता है और सभी उत्पादित इकाइयां एक समान होती हैं, जैसे खान खोदने में, ईंटों के भट्ठों में, फिर सिलाई, कपड़ों की सिलाई में। यह विधि उपयुक्त मानी जाती है जहां पे उत्पादन कार्य चलता रहता है और सभी उत्पादित इकाइयां एक समान होती हैं। फिर अगला है ठेका लागत विधि। ठेका लागत विधि, तो प्रायः ठेका का काम कारखाने के बाहर ही किया जाता है और ठेका का काम लंबी अवधि का होता है, इसलिए यह पद्धत उन ठेके वाली कंपनियों के लिए उपयुक्त माना जाता है जो किसी काम को कराने का ठेका लिए रहती हैं, जैसे चाहे वो भवन निर्माण का हो, चाहे वो जहाज निर्माण का हो, चाहे किसी भी निर्माण का काम का जिम्मा उसने अपने ऊपर उठाया है, तो उसके निर्माण में कितना लागत आएगा उसकी जानकारी ज्ञात करने के लिए ठेका लागत विधि अपनाती हैं। फिर तीसरा है उपकार्य लागत विधि। उपकार्य लागत विधि, उपकार्य लागत विधि, यह विधि ऐसी विधि है जिसके अनुसार लागत का निर्धारण या लागत का काम ग्राहकों के आदेश के अनुसार किया जाता है। यानी इस विधि में जो भी काम किया जाता है वो ग्राहकों के आदेश के अनुसार किया जाता है और जो काम है वो कारखाने के अंदर ही किया जाता है और कभी कभी ग्राहकों के घर तक या निश्चित जगह पर जाकर भी किया जा सकता है, जैसे सैनिटरी फिटिंग है, नल फिटिंग है, ये सब काम, या कपड़ा सिलाई का है, ये सब काम इसमें उपकार्य लागत विधि के अंतर्गत आता है। तो ऐसे काम करने वाली कंपनियां अपने द्वारा उपकार्य लागत विधि अपनाती हैं। फिर अगला है प्रक्रिया लागत विधि। प्रक्रिया लागत विधि ऐसी विधि है कि जिसमें किसी वस्तु का उत्पादन कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, यानी एक प्रक्रिया से निकला हुआ माल दूसरी प्रक्रिया में जब जाता है तो वहां के लिए वह कच्चा माल हो जाता है, और जब वहां से निकलकर दूसरी प्रक्रिया से निकलकर तीसरी प्रक्रिया के लिए जाता है तो तीसरी प्रक्रिया के लिए वो कच्चा माल हो जाता है। यानी एक ही प्रक्रिया में वो माल पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो जाता, उसको पूर्ण रूप से निर्मित होने के लिए कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। यह मैक्सिमम रासायनिक पदार्थ जैसे घी है, केमिकल है, वार्निश है, आदि ऐसे हैं जिनको कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। तो ऐसी कंपनियां अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया लागत विधि अपनाती है। फिर अगला है परिचालन लागत विधि। परिचालन लागत विधि प्राय यातायात की सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों के द्वारा रखी जाती है, जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है बल्कि सेवा प्रदान करने का काम करती है। यह मैक्सिमम यातायात से संबंधित होता है, यानी जहां पे
उत्पादन का कार्य नहीं किया जाता बल्कि यातायात, जैसे बस है, ट्रक है, मोटर है, जहाज है, रेलवे है, जो यातायात की सुविधा प्रदान करती हैं। ऐसी सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियां अपने द्वारा परिचालन लागत विधि अपनाती हैं, जिसमें अपनी लागत को या तो प्रति टन किलोमीटर या प्रति यात्री किलोमीटर के हिसाब से अपनी लागत का निर्धारण ज्ञात करती हैं। फिर अगला है समूह लागत विधि। समूह लागत विधि यह विधि ऐसी विधि है जिसमें उत्पादित वस्तुएं एक ही प्रकार की या एक समूह की होती हैं। यह विधि वहां पे प्रयुक्त होती है जहां पे उत्पादित इकाइयां एक समूह या एक ही प्रकार की वस्तुएं उत्पादित होती हैं, जैसे घड़ियां हैं, बिस्किट है, दवाइयां हैं आदि। ऐसी कंपनियां अपने द्वारा समूह लागत विधि को अपनाती हैं। फिर नेक्स्ट एंड लास्ट है विभागीय लागत विधि। विभागीय लागत विधि यानी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको उत्पादित होने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग फिर तीसरे विभाग में जाना पड़ता है। तो एक प्रक्रिया या एक विभाग में जब रही उत्पादन के दौरान तो कितना लागत आया है, दूसरे विभाग में जब उत्पादन के लिए गया है माल तो उस पर कितना खर्च आया है, तीसरे विभाग पर जब गया है तो उसके द्वारा कितना उत्पादन पर खर्च किया गया है। यानी यहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि एक विभाग से दूसरे विभाग में कितने का लागत अंतर है, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग में कितने लागत का अंतर है, यानी तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में विभागीय लागत विधि अपनाई जाती है। तो ये हैं हमारे लागत निर्धारण या लागत ज्ञात करने की कुछ प्रमुख विधियां, जिनमें से किसी भी विधि के अनुसार जो भी उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए अपनी उत्पादन के अनुसार इस विधियों के अनुसार अपनी लागत निर्धारित कर सकती हैं। इकाई लागत लेखांकन, ठेका लागत विधि, उपकार्य लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि, परिचालन लागत विधि, समूह लागत विधि और विभागीय लागत विधि। यानी जो कंपनी जिस तरीके का वस्तु का उत्पादन करती होगी वह उसमें से अपनी कुल लागत और प्रति इकाई उत्पादन लागत ज्ञात करने के लिए इसमें से उस निश्चित विधि के अनुसार अपनी लागत निर्धारित करती है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि लागत व वित्तीय लेखों में समानताएं एवं अंतर। मीन्स लागत व वित्तीय लेखों में कौन कौन सी समानताएं हैं और लागत एवं वित्तीय लेखों में कौन कौन से अंतर हैं। तो आइए सबसे पहले लागत व वित्तीय लेखों में समानताएं देखते हैं कि आखिर लागत व वित्तीय लेखों में कौन कौन सी समानताएं हैं। तो नंबर फर्स्ट, दोनों लेखों के आधार पत्र एक ही होते हैं। दोनों लेखों के आधार पत्र एक ही होते हैं। व्यापार में जो बीजक व प्रपत्र प्राप्त होते हैं और जिनके आधार पर वित्तीय खातों में लेखा किया जाता है, उन्हीं पत्रों के आधार पर परिव्यय खातों में लेखा किया जाता है। यानी दोनों लेखों के आधार पत्र एक ही होते हैं और दोनों में लेखा वाउचर के द्वारा ही किया जाता है। वही बीजक व प्रपत्र प्राप्त होते हैं, उन्हीं के आधार पर वित्तीय लेखों में लेखा किया जाता है। यानी दोनों में लेखा करना बीजक के द्वारा ही होता है, यानी वाउचर के द्वारा ही दोनों में लेखा होता है। फिर दूसरा है कि दोनों लेखे दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। मीन्स लागत लेखांकन व वित्तीय लेखांकन दोनों दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित हैं, यानी डबल एंट्री सिस्टम पर। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या है कि इस प्रणाली की यह विशेषता है कि यदि इस किसी भी
लेन देन का लेखा किया जाता है तो इसके अंतर्गत कम से कम दो खाते प्रभावित होते हैं। यदि एक खाते को डेबिट किया जाता है तो किसी दूसरे खाते को अवश्य ही क्रेडिट किया जाएगा, इसलिए इसको हम दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो लागत व वित्तीय लेखे दोनों दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित हैं। फिर तीसरा है कि दोनों ही लेखे व्यवसाय का लाभ व हानि ज्ञात कराते हैं, यानी लागत व वित्तीय लेखों के द्वारा व्यवसाय अपने लाभ व हानि की जानकारी प्राप्त करता है। फिर अगला है फोर, दोनों ही लेखों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामग्री श्रम और व्ययों का लेखा रखा जाता है, यानी लागत लेखों व वित्तीय लेखों दोनों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सामग्री श्रम और व्ययों का लेखा रखा जाता है जिसके द्वारा लाभ व हानि की गणना की जाती है। फिर पांचवा है, लागत लेखे वित्तीय लेखे के पूरक होते हैं, लागत लेखे वित्तीय लेखे के पूरक होते हैं, यानी लागत लेखे के द्वारा ही वित्तीय लेखे तैयार किए जाते हैं। फिर अगला है छठवां, दोनों लेखे एक व्यवसायी को भविष्य की नीति निर्धारित करने में सहायक होते हैं, दोनों लेखों के द्वारा व्यवसाय को भविष्य की नीति निर्धारित करने में आसानी होती है, यानी जो उत्पादन करने वाले होते हैं वे अपने लागत के द्वारा अपनी भविष्य की नीति निर्धारित करते हैं और जो व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हैं, वित्तीय लेन देन करते हैं, वे अपने द्वारा भी उनको भविष्य की नीति निर्धारित करने में सहायता होती है। फिर अगला है, पिछले वर्षों के उत्पादन व्यय विक्रय मूल्य व अर्जित लाभ की तुलना दोनों लेखों से की जा सकती है, इन दोनों लेखों से उत्पादन व्यय कितना हुआ है, विक्रय मूल्य क्या है और कुल कितना लाभ अर्जित किया गया है, इन सब की तुलना दोनों लेखों से की जा सकती है, यानी पिछले वर्ष क्या प्रोग्रेस रहा है और इस वर्ष क्या प्रोग्रेस है, दोनों की तुलनात्मक अध्ययन की जा सकती है। इस प्रकार लागत व वित्तीय लेखों दोनों मिलता जुलता है, यही है दोनों में समानता है। फिर अब इसके बाद हम देखते हैं कि लागत एवं वित्तीय लेखों में समानताएं होते हुए भी कौन कौन से अंतर हैं। तो लागत एवं वित्तीय लेखों में अंतर क्या है, तो सबसे पहला, लागत लेखे ये लेखे सेवा प्रदान करने वाली व वस्तु उत्पादन करने वाली औद्योगिक संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं जहां की सेवा व उत्पाद की लागत ज्ञात की जाती है, यानी लागत लेखे किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली संस्थाओं द्वारा या सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं द्वारा ही रखी जाती है। जबकि वित्तीय लेखे ये लेखे सभी संस्थानों द्वारा रखे जाते हैं चाहे वे औद्योगिक हों अथवा व्यापारिक, यानी ये लेखे उन सभी संस्थाओं द्वारा रखे जाते हैं चाहे वे औद्योगिक हों अथवा व्यापारी। फिर अगला है लागत लेखे में, इसमें लागत के तत्वों से संबंधित सभी लेखे रखे जाते हैं, जैसे लागत के तत्व सामग्री श्रम व व्यय, यानी लागत में सामग्री श्रम और व्यय इन्हीं के सहयोग से वस्तु का उत्पादन संभव होता है, इसलिए इन्हीं से संबंधित व्ययों का लेखा लागत लेखे में रखा जाता है। जबकि वित्तीय लेखों में इसमें सभी प्रकार के व्ययों का जिनमें वित्तीय प्रकृति के व लाभ नियोजन के व्यय सम्मिलित होते हैं लेखा रखा जाता है, यानी इसमें हर प्रकार के वित्तीय व्ययों का लेखा रखा जाता है, जबकि लागत में केवल सामग्री श्रम और व्यय से संबंधित ही व्यय लिखे जाते हैं। फिर अगला है लागत लेखे में यह उत्पादित वस्तु की लागत ज्ञात करने के पश्चात उस पर लाभ या हानि ज्ञात कराता है, यानी जो भी वस्तु का उत्पादन हुआ है उसके उत्पादन के पश्चात उस पर कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है यह ज्ञात होता है। जबकि वित्तीय लेखे में यह वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते द्वारा अंतिम लाभ हानि बतलाता है तथा चिट्ठी के द्वारा व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात कराता है, यानी यह वर्ष के अंत में अंतिम लाभ हानि यानी एक्चुअल कुल कितना प्रॉफिट हुआ है इसकी जानकारी कराता है और
व्यवसाय की क्या आर्थिक स्थिति है, वह भी बैलेंस शीट के द्वारा व्यक्त करता है। फिर अगला है लागत लेखे में उत्पादित वस्तु की लागत में जोड़े गए व्यय अनुमानित ही होते हैं, यानी किसी भी वस्तु का उत्पादन करने से पहले उसका हम एक अनुमानित व्यय लगाकर उसकी लागत निकालते हैं, यानी एक्चुअल में वो व्यय तो उत्पादन के बाद ही होते हैं, लेकिन इस्टीमेटेड कास्ट हम निकालते हैं वस्तु का उत्पादन होने से पूर्व, यानी लगभग कितना उस उत्पादन पे खर्च आएगा यह पहले से अनुमानित करके लागत ज्ञात की जाती है। जबकि वित्तीय लेखांकन में व्यय अनुमानित नहीं बल्कि यथार्थ होते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है कि लागत लेखे में वस्तु या सेवा के उत्पादन होने से पूर्व ही इसमें एस्टिमेटेड कास्ट निकाला जाता है कि कितना खर्च आ सकता है, जबकि वित्तीय लेखांकन में जब काम हो जाता है तो उसका जो भी एक्चुअल व्यय होता है उसको इसमें दिखाया जाता है, इसलिए इसमें अनुमानित नहीं होता है बल्कि यथार्थ होते हैं। फिर नेक्स्ट है यह सामग्री तथा स्टोर के निर्गमन व मूल्यांकन पर जितना विशेष नियंत्रण रखता है उतना रोकड़ पर नहीं, यानी यह चूंकि लागत से संबंधित है इसलिए यह विशेष लागत पर ही जोर देता है और माल पर जोर देता है, रोकड़ पर नहीं। जबकि वित्तीय लेखांकन वित्त से संबंधित यानी रोकड़ से संबंधित है इसलिए यह रोकड़ पर ज्यादा नियंत्रण रखता है। फिर अगला है इस लेखे के द्वारा चालू वर्ष में किसी वस्तु की पूर्ति करने के लिए निविदा मूल्य निकालना सरल होता है, यानी किसी भी वस्तु की पूर्ति के लिए या कोई भी काम करने के लिए निविदा मूल्य निकालना इसमें आसान है कि कितना लागत आ सकता है, जबकि वित्तीय लेखे के द्वारा निविदा मूल्य ठीक ठीक नहीं निकाला जा सकता है। वित्तीय लेखे चूंकि लागत से संबंधित नहीं है इसलिए इससे निविदा मूल्य आसानी से नहीं निकाला जा सकता। फिर इन लेखकों द्वारा एक वर्ष व किसी अन्य अवधि की उत्पादन लागतों की तुलना पिछले वर्ष व पिछली अवधि की उत्पादन लागतों से की जा सकती है, जबकि वित्तीय लेखांकन में इस प्रकार की तुलना सामान्य रूप से भले ही की जा सके लेकिन व्यक्तिगत उत्पादित वस्तुओं की लागत की तुलना नहीं की जा सकती। फिर अगला है कि लागत लेखे के द्वारा उत्पादन के विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता व कार्यकुशलता ज्ञात हो जाती है, यानी लागत के द्वारा विभिन्न विभागों की क्या स्थिति है, किस विभाग में कितना एक्टिव लोग हैं, कितना तेजी से काम होता है, इसकी जानकारी हो जाती है। जबकि वित्तीय लेखों के द्वारा विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता व कार्यकुशलता जबकि वित्तीय लेखों के द्वारा विभिन्न विभागों की कार्य क्षमता व कार्यकुशलता की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अलावा लागत लेखे व्यवसाय के सहायक या गौण लेखे होते हैं, जबकि वित्तीय लेखांकन व्यवसाय के प्रधान या प्रमुख लेखे होते हैं। फिर अगला है लागत लेखांकन में कुछ विशिष्ट कंपनियों के लिए लागत लेखों का अंकेक्षण अनिवार्य है, यानी इसमें कुछ विशिष्ट कंपनियों के लिए ही लागत लेखे का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, जबकि वित्तीय लेखों में सभी कंपनियों के लिए अंकेक्षण कराना आवश्यक है। इस प्रकार लागत लेखे में वित्तीय लेखों में अंतर है। थैंक यू।